किवे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कम नहीं आया वे तेरी चीए सरकार मैं कमली हाँ कमली चाहिए तो ये कि तेरे इस गुनाह पे तेरी इस हरकत पे तुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चूंकि तुम दित्य की बेटी हो इसलिए हम तुम्हें दरगुजर करते हैं। दित्य को इतला भिजवा दी है हमने, ले जाएगा तुम्हें वो यहां से आके। सरकार रहम रहम सरकार सरकार मैं माफी चाहती हूँ सरकार माफ कर दीजिए रहम सरकार। हमसे माफी मांगने की बजाय अपने बूढ़े बाप से माफी मांगना जिसका सर हमेशा के लिए झुका दिया है तुमने। जब से घर से भागी हो कमर टेढ़ी कर दी है उस बेचारे की तुमने। सरकार मैं अब्बे से भी माफी मांग लूंगी मुझे घर ना भेजे मैं घर नहीं जाना चाहती सरकार मुझे घर ना भेजे। मुजरिम से ना तो सलाह ली जाती है और ना ही मशवरा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तमाम मामला तुम्हारे मुताबिक हल होंगे? बहन जी भाग भरी से कहिए कि इस पे कड़ी नजर रखे। माड़ी की हवा को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये कौन है कहां से आई और इसका जुर्म क्या है। और तुम भी जुबान मत खोलना। हाँ सरकार सरकार मैंने घर नहीं जाना सरकार मेरी बात सुनने मेरे घर नहीं जाना सरकार। बीबी सरकार मैं घर नहीं जाना चाहती बीबी सरकार। बहुत बड़ी बीबी सरकार सरकार को कहिए ना वो लोग मेरा नई ब्याह करा देंगे। बीबी सरकार सरकार मैं घर नहीं जाना चाहती बीबी सरकार बीबी सरकार सरकार से बात करें मौसी मौसी बीबी सरकार को कहे। पक्का ताला लगाई भागभरी मुजरिम पक्का लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ताला तोड़ कर भाग निकले। अपनी इज्जत पर तो ताला लगा नहीं सकते तख्त सुल्तान पर इन कमी कमीनों पर ही से कर ले राजी ये चाबी मैं तुझे नहीं देने की कभी नहीं। अरे वो तो आज हमारी जान बच गई आइंदा नहीं बचेगी। मान ना मान अकरम को शक पड़ गया वो तो मैंने उसको चबारे से देख लिया नहीं तो तेरे बाल पकड़ कर ले जाता वो तुझे। आजी जान मैं एहतियात करूंगी देखिए आपने कहा और मैं झट से तैयार होके आ गई ना लेकिन काफी देर हो गई दरवाजा बंद है अगर उससे कुछ हो गया तो होता है तो हो जाए एक जान तो छुटेगी इस मनहूस से हमारी। आंटी जान ऐसे तो ना कहें परदेसी है बीमार है से जुल्म तो ना करें और उस जुल्म का क्या जो अकरम तेरे ऊपर करेगा कौन बचाएगा तुझे बोल। तुझे इस मरीज के लिए दुबई को दाव पे लगा के बैठी है ना अरे तू तो इसका नाम तक भी नहीं जानती। नाम तो मैं किसी का भी नहीं जानती आंटी जान आप ही ने तो सिखाया है हमेशा यहाँ किसी के नाम की खबर ना रखना। मेरी सिखाई भी तरबियत मुझे पे इस्तेमाल करेगी। वाह रागी वाह तो 4 दिनों में उस्ताद बन गई वो सब कुछ सीख गई
जो मैं 25 साल से तुझे नहीं सिखा सकती। चल ले ले चाबी, खोल दे दरवाजा। लेकिन सुन, कल तक तेरे इस मरीज का बुखार ना उतरा ना, तो फिर मुझे गुल्लू को बुलाने ही पड़ेगा, ताकि तेरे इस मरीज को बाहर फिकवा सकूं। याद रखना मेरी ये बात, फिर तेरी एक ना मानूंगी मैं। मामूजान, तौबा है वैसे, व्हाइट के अलावा भी कभी कोई कलर पहन लिया करें। पूरी वार्डरोब छान मारी मैंने आपकी, इस रंग के अलावा मुझे कोई रंग नहीं मिला। मामूजान, अपनी जिंदगी में कोई और रंग भी डाले ना। इस उम्र में क्या रंग डालूंगा अपनी जिंदगी में? फीकी जिंदगी है, फीके रंग है, और ये फीके फीके रंग पहन पहन कर मैं खुद भी फीका पड़ गया। तुम तो जानती हो व्हाइट इज माई फेवरेट कलर। अब प्लीज ये मत कह देना कि मामू अपनी चॉइस को बदली है, बिकॉज़ एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ कुछ नहीं बदला जा सकता। कितने तेज है ना आप मामू जान, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये रंग आपको कितना सूट करता है, सिर्फ इस वजह से आप ये रंग नहीं बदलते। मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ। आप खिजर और कुलसुम भाभी को कुछ ना कहा करें मेरे खातिर। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मुझे कौन भला कुछ कहेगा, और किसी की जरूरत है मुझे कुछ कहे? बस वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए, देखो तुम्हें मेरे और खिजर के दरमियान आने की जरूरत नहीं है। इट्स बेटर दैट यू स्टे आउट ऑफ दिस। जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से खिजर, और मुझे मालूम है उसे कैसे रखना है और कहां रखना है। क्या बना भाई वो तुम लोगों के प्लान के सिंगापुर के? मैं अब नहीं जा रही। नहीं जा रही? क्या मतलब नहीं जा रही? मेरा मूड नहीं है मामू सरकार, मैं भी नहीं जा रही। शहर का मूड नहीं है या देर समथिंग एल्स? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने खाने पर जाना है ना, जल्दी करें, तैयार हो जाएं। इधर देखो भाई, तू क्या छुपा रही हो? अरे नहीं, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी भला, हम दोनों एक जैसे ही हैं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और मैं ओ जित्या आया भाई आया। हाँ भाई, तो सु खैर तो है। सरकार ने याद किया है तुझे सुबह, माड़ी में जरूर आ जा। ओ, अब इस मरे ने क्या कसूर कर दिया दोसू, और क्यों इसकी बाह मरोड़ने आ गया तू? हम तो पहले ही सूली चढ़े हुए, और अब क्या नया गुल खिला दिया हमने?
सुलेखा तेरा कख ना रहे। ओ अपने बूढ़े बाप के सदी तूने सात तंदूरों की। और तू तो चुप कर, रोला पा रही है, बात करने दे दोसू से। हाँ भाई दोसू, आप आने का मसला है, पटवारी ने अंगूठा लगवाना है तेरा कागजात पे, याद से सुबह माड़ी में आ जाना, सरकार ने तलब किया है तुझे। ठीक है दोसू, रब राखा। रब राखा। क्या कह रहा था ये? सरकार ने तलब किया है, सुबेरे जाना है। अब सरकार ने क्यों बुलाया हमें? अरे मुझे क्या पता, और तुझे क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? हैं? होगी तू ग्रामे कसाई की बेटी, तीन कत्ल किए जिसने। जन्नत सरकार, सामान तैयार हो गया आपका? तो क्यों पूछ रही है, तुझे क्या लगे मेरे सामान से? अरे भाभी रानी, इस बेचारी पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो बिला वजह? अगर लड़ना ही है तो माड़ी के सुल्तान के रूबरू जाओ, तब देखते हैं कितना जोर है हमारी भाभी रानी। मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी मेरे प्यारे भावज को? मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी करो। मैं देख रही हूं आजकल रोज मेरे भाई ने शिकार पर जाना शुरू कर दिया है। ऐसा ना हो तुम सोए रहो और कोई और ले उड़े उसे शिकार करके। जब ऐसा होगा तब पूछूंगी हाल अपनी प्यारी भावज का। चल जा, तैयारी कर, सवेरे निकलना है मुझे। जावेद के फोन पर फोन आ रहे हैं, इतने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए, मेरा शोहर उदास हो रहा है मेरे लिए। अब सो जाओ प्यारी भाविच, सुबह उठकर परेशान हो लेना, ये परेशानी तो उम्र भर की है। लाइट बंद कर दो, कुलसुम बहुत नींद आ रही है मुझे। मेरी तो नींदें ही उड़ गई। क्या बात है, किसी से लड़कर आ रही हो? मैं लड़ू या मरू तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अपनी दुनिया में रहते हो ना, मेरी दुनिया में आओ तब तुम्हें पता चले मैं कब कब लड़ती हूँ और कब कब मरती हूँ। मरे तुम्हारे दुश्मन, हम अपनी प्यारी बीवी को ना मरने देंगे और ना लड़ने। बात तो बताओ, बात क्या हुई? तुम्हारी फूफी की बेटी ने मुझे ताने मार मार कर जलील कर दिया। झगड़ा मियां बीवी का और मेरा, ये क्या ज्यादती नहीं है खिजर? चलो यहां बैठ, बैठ तो जाओ। अब बताओ क्या बात है? होना क्या था, गलती से मैंने ये पूछ लिया कि क्या कल वापस जा रही हो? बस
पीछे पड़ गई मेरे। तुमने भी कोई चिंगारी तो जरूर फेंकी होगी, वरना आग ऐसे नहीं भड़क। वो जिसका नाम जन्नत है ना, वो तो है ही आग का भड़कता हुआ अलाव। ये छोटी मोटी चिंगारियों से उसे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा चलो बस करो ये इस वक्त रोना, सुबह उठ के बात करूंगा मैं उससे। वो सुबह कभी ना आई जब जन्नत से बात पुरुष हुई। वो तो माड़ी की रानी है और मैं सिर्फ उसके भाई की बीवी हूं।